नमस्कार, इस समय मैं खड़ी हुई हूँ यमुना पे और छठ पूजा करीब है, लेकिन आप पीछे के हालात देख सकते हैं किस तरह से झाग इसमें अभी भी निकल रहा है, किस तरह से पूरी तरह से यमुना प्रदूषित हो चुकी है और लाखों करोड़ों हर साल इस पे खर्च होते हैं। छठ पूजा करीब आती है, इस पे बातचीत होती है साफ़ सफाई की कि आप साफ़ कर देंगे, आप साफ़ कर देंगे, लेकिन आज भी जस की तस यमुना ऐसे ही बह रही है और इसमें इतना केमिकल है, इतना प्रदूषण है कि अगर कोई इसमें गिर जाता है या कूद के नहाने की भी कोशिश करता है तो पूरी तरह से बेहोश जाता है। हमने आम जनता से बातचीत की और उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम सचिन गुप्ता है, मैं वॉइस फाउंडेशन का फाउंडर हूं और आप देख सकते हैं यमुना की स्थिति। साल दर साल जो गवर्नमेंट है बजट तो बहुत बड़े बड़े अलॉट करती है, हर साल बजट तो बढ़ता जाता है और उसी जिस तरह से बजट बढ़ता है उसी तरह से यमुना का प्रदूषण बढ़ता है। आप देख सकते हैं जो पीछे बैराज बंद है उसके बावजूद भी फॉर्म में है, क्योंकि जो पानी में जो फॉर्म का जो मात्रा है 2 mg फॉस्फेट से ज़्यादा होती है पर लीटर में, तो ये बढ़ता जाता है। मगर आप अगर चेक करेंगे तो 10 mg से भी बहुत ऊपर है। जो BOD जो लेवल होना चाहिए उसका, वो 10 mg होना चाहिए, बट उससे भी कहीं ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो DO कहा जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी जो नॉर्मल पानी पीने के लिए जो होनी चाहिए 6 mg जो कृषि के लिए और 10 mg जो पानी पीने है उसके ऊपर के लिए होनी चाहिए, बट जब आप चेक करेंगे दिल्ली में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 1 mg से भी कम है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती है। आप देख सकते हैं इसके बाद जब आप आएंगे सुबह के टाइम, इसके ऊपर एक ग्रीस ऑयल एंड ग्रीस सा होता है, वो भी 2 mg से कम होना चाहिए पर लीटर में, बट ये भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है यहाँ की। जो आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या है आपको नदी किनारे का जो क्षेत्र है, दिल्ली में एकमात्र नदी यमुना होने के बावजूद दिल्ली वासियों को जो पानी के लिए जो सप्लाई है गंग नहर से लेनी पड़ती है। गंग नहर अगर जो आप लोगों को पानी ना दे तो उस दिन दिल्ली में हाहाकार मच जाता है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है, लोग जानकर भी अपनी बातों को नहीं उठाते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाते। दिल्ली वालों को क्या चाहिए, फ्री में चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, गैस सिलेंडर और दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, जिसे जीना है वो चीज़ मांगते ही नहीं है। निर्मल जल आपको चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से मौसम बदल रहा है, AQI लेवल किस लेवल पर जा रहा है, जल थल और वायु तीनों इतने ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं, हाहाकार मचा हुआ है, मगर अभी पब्लिक को फ्री चाहिए। और जिस तरह से इस फ्री का आप क्या करोगे जब आपका जीवन ही प्रदूषित हो चुका है। हम आपको अस्पताल देंगे, हम आपको ये देंगे, आपको स्कूल देंगे, अरे एक लोटे पानी भी दिल्ली की जनता का वोट लेते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। एक लोटे पे वो दिल्ली की जनता का वोट लेते हैं। स्वास्थ्य, स्कूल और ये तमाम चीज़ों पे आए थे, ये साफ करेंगे, वो साफ करेंगे, इनके में और केंद्र में तो कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही झूठ बोल के आए और दोनों ही जाके चिपक गए लीच की तरह। बिल्कुल धोखा हुआ है दिल्ली की जनता के साथ, बहुत ही धोखा हुआ है, और मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता को भी जवाब देना चाहिए, इस चीज़ का बिल लेना चाहिए। देखिए यमुना नदी का साफ, देखिए जो यहाँ के नॉर्मल जो सिटीजन पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के कहीं के नॉर्मल सिटीजन, वो अपना क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स देके अपने कामकाज में बिजी होते हैं। करना किसको है, गवर्नमेंट को करना है ना, और गवर्नमेंट अगर आपको पीठ में छुरा भोंक दे तो आप क्या करेंगे। तो इस हिसाब से तो ठीक है भाई, नहीं कर पा रहे हो तो मर तो नहीं गए ना, उतर जाओ कुर्सी से, उतर जाओ, वहाँ चिपकने की क्या जरूरत है, नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो, उतरो। नमस्कार जी, मेरा नाम ऋषभ है और मैं विगत पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे बराबर ऐसी गंदगी बनी हुई है। यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, मतलब और भी अन्य संस्था के लोग आते हैं, ग्राउंड टू अर्थ कोई काम नहीं हो रहा, थोड़ा सा दिखावे करके शो ऑफ करके चले जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा, फाउंडर जीवन अर्पण सामाजिक सेवा संस्था। जैसा आप पीछे कैमरे में देख रहे हैं दूषित जल और इस तरीके के पॉल्यूटेड वाटर है, ये दिल्ली की कोई आज की नई बात नहीं है, ये हर साल का है। इसमें दिल्ली की कंपनियों से, अदर गैरबेज से और जिस तरीके का पानी और केमिकल निकलता है जिसकी वजह से इस जल को दूषित किया जाता है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अभी कल परसों में केजरीवाल जी ने एक बैठक में बोला है कि जो उन्हें केंद्र सरकार से फंड मिलना था वो जो है मिल नहीं पाया और वो रुक गया है। देखिए इस तरीके की एक बहानेबाजी है, और अभी इन्होंने पहले भी बोल रखा था कि आने वाली अगली 5 सालों में मैं जनता के साथ इस यमुना में डुबकी लगाऊंगा। तो ऐसा अगर आप चाहें तो केजरीवाल साहब आज खुद ही आके इस यमुना में डुबकी लगा के देख लें किस तरीके का माहौल है इस यमुना का। अब देख सकते हैं जल में, और ये अब देखिए, अरे ये क्या, सबसे कुछ देर पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, और आप देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड का ये तो लास्ट पिछले साल भी था और उससे पिछले साल भी, क्योंकि ये वही मुझे नाव लग रही है जो डिफॉर्मिंग करती है। और ये जब पर्व आता है छठ का महापर्व, क्योंकि लोगों को इसमें अपनी आराध्या की पूजा करती है, क्योंकि जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो प्रकृति को पूजता है, जिसमें हमारी सूर्य की उपासना होती है और नदी को हम अपनी माँ मानते हैं। मगर ये क्या, अगर आप देख सकते हैं फॉर्मिंग के लिए डिफॉर्मिंग करी जा रही है,
ये डिफॉर्मिंग करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है अगर जो आप लोग अपनी एसटीपी को प्रॉपर नहीं संभाल पा रहे हैं, घर से निकलने वाला हाउस होल्ड है वो नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर इस तरह की डिफॉर्मिंग करने का क्या फ़ायदा। रियलिटी अगर जो आप लोग अगर अपनी एसटीपी पे ध्यान देना तो 70% जो ये आपको जो दिखा रहे हैं जो करने पड़ रहा है ना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं पहले पॉल्यूशन कराते हैं फिर एसटीपी साफ़ नहीं करते, तो वही कचरा होता है, इसी कचरे से फिर जो हजारों करोड़ का वेल्ट इसको साफ़ करने के नाम पे ले जाते हैं, इससे जो पॉल्यूशन होता है जो लोग बीमार होते हैं मेडिकल के नाम पे, हजारों करोड़ का वो फंड फिर मेडिकल में जाता है, मेडिकल के बाद फिर इस तरह से चीज़ें होती है, बस यही साइकिल चलता रहता है। जाता किसका है? सिर्फ आम जनता का, और उसको फ्री में लॉलीपॉप क्या पकड़ा जाती है आपको? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सिलेंडर और ना जाने क्या क्या फ्री। तो ऐसी और जानकारी जुड़ी मेरे साथ में दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।